नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। भारतीय बॉडी बिल्डिंग के स्टार बॉडी बिल्डर, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के अध्यक्ष पद्मश्री प्रेमचंद ढिंगरा आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेका और बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय बॉडी बिल्डिंग, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चेतन पठारे भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन उनके अध्यक्ष प्रेम सिंह यादव जी, उनके सर चिटनीस जो है अतीन तिवारी जी, शैलेंद्र व्यास जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट में मैं नियुक्त किया गया गए महीने में, उसके बाद आज उन्होंने यहाँ पे बुला के मुझे महाकालेश्वर के जो दर्शन कराए और जो स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ। नहीं, वो ऐसा अंतर है नहीं अंदर। अभी जो बच्चे जो आ रहे हैं काफ़ी जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हो गए हैं, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा जो है आज अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने में लगा हुआ है। लेकिन खुशी होती है, आप देखोगे आप हिंदुस्तान पूरे में कितने जिम खुल गए हैं, कितने क्या हो गए, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के जो नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान लोग हैं, वो इस मार्गदर्शन के बीच में इसमें आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा देश जो ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। जो बच्चे गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, वो गलत सोसाइटी में कोई ड्रग्स लेता, कोई लेता है, उसमें क्या होता है, उसको बड़ा बंदिश लगेगी, क्योंकि अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे, हम भी हेल्थ को बना के रखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत अंतर आता है कि इस जनरेशन को, नवी जनरेशन को भी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आगे से उससे और आज क्या मैं अंतर तो है, अंतर पहले नेचुरल करते थे, आज जो हम जो लोग हैं आज लोग सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए नेचुरल ही